समस्त हमारे संवाददाता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता है कि आप सभी ने हमारे 2022-24 का जो प्रांतीय अध्यक्ष का निर्वाचन था उसके कार्यकाल में आप सबका बहुत बहुत अविस्मरणीय सहयोग रहा, उसके लिए हमें आभार व्यक्त करना था। दूसरा, कर्मचारी महासंघ एकीकृत एकमात्र ऐसा महासंघ है जिसमें हर 2 साल में प्रांतीय अध्यक्ष का संवैधानिक तरीके से निर्वाचन होता है और 12 जुलाई 2024 को मेरा जो कार्यकाल है पूर्ण हुआ। होते ही हमारी 3 सदस्यीय प्रांतीय निर्वाचन समिति बनाई गई जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमारे श्री आराम शर्मा जी और भगवान साहेब वर्मा जी उद्योग भवन से हैं और हीरालाल मोटवानी जी जो अकाउंटेंट हैं तो उनके नेतृत्व में कमेटी थी और पिछले 12 जुलाई से लगातार ये प्रक्रिया चलते चलते आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो माननीय मुख्य महामंत्री हमारे निर्वाचन अधिकारी जी अभी घोषणा करेंगे तो 41 कर्मचारी संगठनों को इस बार हमने संबद्धता दी है राज्य स्तरीय और उसके सभी तीनों अध्यक्ष महामंत्री तृतीय सदस्यों के साथ राज्य भर के जिलाध्यक्ष और जो हमारे संभागीय जो अध्यक्ष हैं तो वो सभी लोग इस निर्वाचन में भाग लेते हैं और सभी का जो मत के प्रयोग से प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं। इसके साथ साथ उस दिन हमारी एक साधारण सभा की बैठक भी होती है तो साधारण सभा की जो बैठक है उसके अंदर हमारा आगामी जो 2 वर्षीय कार्यकाल है वो उसका हम एजेंडा तय करते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति प्रमुख मुद्दा है जिस पर राज्य सरकार ने कहा था कि हम डीसी सामंत कमेटी खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को हाल ही में लागू कर देंगे मगर अभी बजट में कहा है किया नहीं, 1 सितंबर से उनको लागू करने की बात थी। हमारे सबसे बड़े विषय पेंशन का है, पूर्व सरकार ओल्ड पेंशन कर चुकी, हमने वर्तमान सरकार के मुखिया को कहा था कि आप स्पष्ट करें कि राजस्थान में ओपीएससी रहेगा तो उन्होंने अब तक उसको लेकर के कोई पत्ते सरकार ने खोले नहीं है। हमने कहा था कि आपने साल में दो बार डीपीसी की बात करी राजस्थान की सरकार ने मगर आज शिक्षा विभाग में देखें 5 साल हो गए प्रमोशन नहीं हुए। आज हमारे पीएचडी में इंजीनियर्स को देखें 3-3, 4-4 साल हो गए उनके प्रमोशन नहीं हो रहे। चिकित्सा विभाग के अंदर बहुत सारे कैडर हैं उसके प्रमोशन नहीं हो रहे। पिछली सरकार ने एसीपी बंद करके 9, 18, 27 वर्ष पर एमएससीपी लागू कर दी। अब उस एमएससीपी में ये हो गया कि आज बहुत सारे लोगों को 9, 18, 27 साल पर उनका चयनित वेतनमान ही अटके हुए हैं क्योंकि उसमें यह है कि अगले पदोन्नति पद का वेतनमान मिलेगा तो अगला पदोन्नति पद एक्चुअली कई कैडर ऐसे हैं जिनका अगला का पदोन्नति पद ही नहीं है तो वो पदोन्नति पद सृजित हो तब जाके 9, 18, 27 का चयनित वेतनमान मिले। तो इस तरह के हमारे कुछ हॉट इश्यूज हैं। हमने कहा था कि एक राजनीतिक हस्तक्षेप रहित भ्रष्टाचार मुक्त एक पॉलिसी होनी चाहिए कर्मचारियों की। सरकार एजेंडा पे एजेंडा बनाती है, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बनाई पॉलिसी आज तक वो लागू नहीं हुई क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनके हित टकराते और एक बहुत बड़ी राशि जो है ना वो भ्रष्टाचार के रूप में कर्मचारियों के जेब से जाती है और उस पर सरकार कोई भी मानसिकता ला करके उस पर अंकुश लगाने की बात नहीं करती। तो हमने संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, ये सारे कर्मचारियों का नियमितीकरण की बात हर सरकार करती है मगर करती कोई नहीं। तो ये हमारे मुख्य विषय हैं और इस वर्ग का हमारे जो 2 वर्षीय कार्यकाल है जो भी हमारी आगामी कार्य समिति का रहेगा उसमें इन सभी मांगों को पूरा कराने के लिए हम चरणबद्ध रूप से रणनीतिक रूप से जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी संगठनात्मक और आंदोलनात्मक रचनात्मक उस सभी कार्रवाई को पूरा किया जाएगा और आगामी हमारे निर्वाचन की विधिवत जो घोषणा है कितने तारीख को होना है कहाँ होना है हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी हैं सियाराम जी वो आपको अवगत कराएंगे। पिछले 2 साल के कार्यकाल में निश्चित रूप से बहुत संघर्ष भरा था क्योंकि सरकार का निवर्तमान सरकार का अंतिम समय था, पूरे राज्य का कर्मचारी सुषुप्त अवस्था में था। गहलोत साहब ने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी मगर वो धरातल पर नहीं आ पा रही थी। केवल एक ऐसी घोषणा थी ओपीएस की जो धरातल पर आई मगर कई बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं, लाखों कर्मचारी, 8 लाख में से तकरीबन 4-4.5 लाख कर्मचारी ऐसे जिनको पहले से ओपीएस मिल रहा था, उनका मामला था कि वेतन विसंगति दूर करेंगे। खेमराज कमेटी बनाई थी गहलोत साहब ने, इससे पहले डिसामंत कमेटी बनी थी, दोनों की रिपोर्ट आ गई, गहलोत साहब ने अंतिम समय तक भी वो कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, वेतन विसंगति दूर नहीं करी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उन्होंने वायदे तो किए थे मगर पूरे नहीं किए, उसकी वजह से हम अंतिम समय तक लड़े और पिछले कार्यकाल में मैं आपको अवगत करा दूं, चाहे विशेष संघ के जरिए ही सही, जिस दिन तक आचार संहिता लग रही थी मैं 11 दिन तक मेरा आमरण अनशन था, मैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय के आईसीयू में रहते हुए मैंने आमरण अनशन किया पिछली सरकार के खिलाफ। एक उपलब्धि जरूर रही कि हमारी एक मांग थी कि दिल्ली और हिमाचल में
20 वर्ष क्वालिफाइंग सर्विस है पेंशन के लिए राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमारे बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा सेवा से आते हैं, 10-10-20 साल की सेवा करते हैं, तो वो 25 साल या 28 साल की सेवा नहीं कर सकते। तो गहलोत साहब ने माना, हम आज भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 28 की जगह 25 किया, मगर वो 20 वर्ष होना चाहिए था, उससे संविदा कर्मचारियों को काफी लाभ होता, तो वो नहीं हो पाया। एक ओपीएस है, अब वर्तमान सरकार के आते हमें तो ओपीएस पे भी आज तक सरकार ने अपना एजेंडा स्पष्ट नहीं किया। एक भर्ती करी थी शिक्षकों की और उसके अंदर नीचे लिख दिया था कि वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन दी जाएगी, हमने विरोध किया तो इन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, मगर अब तक वो क्लियर किया नहीं। हमारी वेतन विसंगति मुद्दा है, बिहार और उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कर्मचारी को 15,000 से 30,000 रुपए तक प्रतिमाह मूल वेतन कम मिल रहा है। तो राजस्थान के अंदर लोग ट्रेंड हो रहे हैं, क्वालिफाइड लोग, मगर ब्रेन है ना उसका लीकेज हो रहा है, वो कहां जा रहे हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहां जाकर के नौकरी कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान का क्वालिफाइड आदमी दूसरी जगह जाके सेवा दे रहा है, क्योंकि 15,000 से 30,000 रुपया प्रतिमाह मूल वेतन बहुत बड़ी राशि होती है। तो ये राजस्थान में पांचवें वेतन आयोग तक नहीं था, तो सरकार को सोचना पड़ेगा, और सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई काम ठीक से किया नहीं है, और ये जब तक होता नहीं तो हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुखिया जी वर्तमान है, उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दे रहे हैं वो, मगर नहीं होगा तो यथाशीघ्र हमको इस बार, हम पहले बार की तरह, पिछली सरकार की तरह लास्ट मोमेंट तक इंतजार करने वाले नहीं है। ये चुनाव होने के तुरंत बाद ही जो भी नया नेतृत्व आएगा, कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों की जो भी लंबित मांगे उनको लेकर के आंदोलन शुरू करेगा। संविदा कर्मी को लेकर के संविदा कर्मी बना तो दिए जाते हैं, दे भी दिए जाते हैं, लेकिन उनको आज तक इतने अरसा हो गया, परमानेंट दोनों सरकारें नहीं कर पाई, क्या वजह है इसकी के वो परमानेंट नहीं कर पाई संविदा कर्मी? देखिए, करने की मानसिकता हो तो सब कुछ हो सकता है। संविदा कर्मचारी के अंदर तीन तरह के वर्ग हैं। एक तो वो हैं जिनको प्लेसमेंट के जरिए लगा लेते हैं, एक वो हैं जो कर्मचारी को सीधे ले लिए, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनको मानदेय पे लगा लिया, तो वो तीन तरह के कर्मचारी। अब एक्चुअली हो यार वो उनको पार्ट टाइम मानते हैं मानदेय वाले कर्मचारियों को। अब है ये कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, तकरीबन 4 लाख के आसपास लोग आते हैं, इनका एक वोट बैंक है, सरकार इनका वोट बैंक, ये मुद्दा खत्म अगर हो जाएगा तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हर सरकार वोट बैंक के चक्कर में इसको लास्ट मोमेंट में ला करके इससे बैक हो जाती है। सही बात यह है कि पिछली सरकार ने जब ये कहा RSLDC का हम गठन करके सारे ठेकेदारों को खत्म कर रहे हैं, वो उन्होंने गठन की बात तो करी, एक चेयरमैन बना दिया, मगर उसके लिए अभी तक कानून उन्होंने लागू नहीं किया, वो प्रोसीजर पूरी नहीं करी। अब आज ये मैं आपको बताऊं कि संविदा कर्मचारियों की बात करें, पूरे देश के अंदर निजीकरण हो रहा है, ये भारत सरकार की योजना है इस तरह की, सभी राज्य के विभागों का निजीकरण कर दिया जाए। राजस्थान की सरकार भी उसी ट्रेंड पर काम करती है। आप सोचिए, एक नर्सिंग ऑफिसर की मैं बात कर लेता हूं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जिसको नर्सिंग अधिकारी का पद है, केंद्र में जाते 44,300 रुपया उसका मूल वेतन है चाहे वो संविदा पर आए, राजस्थान के अंदर 7,900 रुपए पर उसको वेतन पर लगा, नौकरी पर लगाते संविदा पर। आप सोचिए, 7,900 रुपए पर एक नर्सिंग अधिकारी लग रहा है और वहीं 9,500 रुपए पर सफाई कर्मचारियों को लगाया जाता है विभागों में। आप सोचिए तो पढ़े लिखे लोगों का किस हद तक शोषण हो रहा है, और इस पर जब बात करते हैं तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो राजस्थान के अंदर कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है, नई पीढ़ी का बहुत शोषण हो रहा है, और ये शोषण एक बार कहीं ना कहीं फिर इसके अति होती है तो उसका कोई ना अंत होता है, और नीचे बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। पुरानी सरकार ने इसका परिणाम भुगता है, उन्होंने कहा था हमने 1,25,000 कर्मचारियों को नियमित कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने गुजरात के चुनाव में कहा था वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, हमने उसका विरोध किया था, हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। सार्वजनिक मंच से राजस्थान के अंदर ही गलत घोषणा हुई है कि राजस्थान का मुखिया गुजरात में जाके कहता है कि 1,15,000 लोगों को नियमित कर दिया, एक कर्मचारी को नियमित नहीं किया, संविदा कर्मचारी जो थे उनको संविदा सेवा में आगे बढ़ा दिया। अब यह कह दिया कि 9 साल और 18 साल तक संविदा पर कर्मचारी काम करेगा, 9 साल बाद उसका स्केल बदल जाएगा 18 साल। ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जहां पर 9 से 18 साल तक का नियमितीकरण की नीति बना दी। वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए कि ये क्या नीति है, और इस नीति को तुरंत बदलना चाहिए। 18 साल तक लोग सेवा करेंगे, आप सोचिए क्या वो नियमित सेवा में आएगा, क्या उसको वेतन मिलेगा, कितना उसका शोषण हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर ये जो स्थिति है ये बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है, और इसको लेकर जन जागरण हो चुका है, और तमाम कर्मचारी लामबंद है और उनको भी इंतजार है कि महासंघ के स्तर पर कोई आह्वान हो, तो इस बार हम यथाशीघ्र इस आह्वान को पूरा करने जा रहे हैं और कर्मचारियों के लिए संघर्ष यथाशीघ्र महासंघ शुरू करने जा रहे हैं। जी, आपने दोनों पार्टी की सरकार देखी, बीजेपी देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, आप फिर बीजेपी की देख रहे हैं, जी जी, लंबा अनुभव आपका, तो कर्मचारियों के हित में कौन सी पार्टी की कौन सी सरकार को ज्यादा अच्छा मानते हैं? देखिए, मैं एक बात जहां तक कहूं, हर सरकार का अपना एक अनुभव है।
पिछली ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि में मैं बताता हूं आपको। कर्मचारी जगत में यही वो सरकार है जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर निजीकरण हुआ, तो वर्तमान सरकार में माननीय वसुंधरा जी थी, इन्होंने सबसे पहले संविदा कर्मचारियों के बल्क में जो हजारों लोग थे उनको नियमित करने का काम किया। ये उदाहरण था पूरे देश के लिए कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमित कर सकते। उसमें आपको बता दूं हमारे पैरा टीचर थे 28,000 हमारे पैरा टीचर थे, उसमें से तकरीबन 25,000 लोगों को सीधा नियमित किया। हमारे एनआरएचएम के अंदर कम से कम 20,000 से ज्यादा कर्मचारी थे, उनको सीधा नियमित किया। पिछली सरकार की मानसिकता थी कि हम नियमित करेंगे, कमेटी बनाई थी 3 साल तक कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने एक भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि जो छोटा कर्मचारी है उसके प्रति जो भाजपा की जो सरकार थी उसने उनको काफी राहत पहुंचाई। किसको? वसुंधरा जी को हमने नहीं हटाया। कर्मचारी देखिए हर चीजें नहीं होती पूरी, कर्मचारी केवल संविदा की बात हुई, नियमित कर्मचारी की बात। अब नियमित कर्मचारी नाराज था क्योंकि नियमित कर्मचारी की वेतन विसंगति राजस्थान में अगर डेवलप हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, तो पांचवें वेतन आयोग से हुई, पांचवें वेतन आयोग सीएम थे, छठे वेतन आयोग में वसुंधरा जी का कार्यकाल था और हमको बिहार उत्तर प्रदेश से कम कर दिया। आज तक हम उसका उसका दंश भोग रहे हैं। तो ये कई सारी चीजें हो जाती हैं, उसमें जनता का बहुत बड़ा वर्ग होता है, किस वर्ग ने क्या निर्णय कर लिया अलग बात है। मगर गहलोत साहब की मैं फिर एक बात कहता हूं, उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया, मगर मैं कहता हूं उन्होंने पूरा नहीं किया हुआ। आज हम ओपीएस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओपीएस को लेकर सरकार को जो कानून बनाना चाहिए था वो कानून नहीं बना, कानून नहीं बना तो रिवर्ट हो सकता है। तो एक कुछ चीजें ऐसी हैं जो खामियां रह गई, थोड़ा थोड़ा किया, फिर बार्गेनिंग की कर्मचारियों से कि हमको दोबारा लाओ फिर हम ये कर देंगे। तो ये बार्गेनिंग के चक्कर में कर्मचारियों के हाथ कुछ आया नहीं है, कर्मचारी लगातार बदलता जा रहा है। अभी मैं कह रहा हूं आपको कि ये चुनाव हुआ, लोगों को उम्मीद नहीं थी, फिर इस बार चुनाव के अंदर देखा कर्मचारियों के बहुत बड़े वर्ग ने भाजपा को वापस लेके आए, ऐसा क्या कारण रहा? तो ये कोई बात नहीं हुई। फिर आप कह रहे हैं कि जब हम अब ये एमपी का चुनाव हुआ 11 सीटें हार गए, तो ये कहते हैं कि राजस्थान के कर्मचारियों का जो वोट बैंक जो भी उनका जो बैलेट पेपर थे उसमें वो बैलेट पेपर से हारे, इसलिए कर्मचारियों को सुध लो। पहले ही विधानसभा बजट के अंदर कर्मचारियों को हमको बुला करके बातचीत करी। अब मैं तो फिर कहता हूं कि हमको चलो बुला तो लिया, मगर बचनलाल जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमको सुना और सुनने के बाद बजट में उन्होंने घोषणा कर दी कि हम जो हमारी आपकी विसंगति कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको 1 सितंबर से लागू कर देंगे। अब करी तो सही उन्होंने घोषणा आखिरकार, पिछली सरकार ने तो करी नहीं कमेटी बनाने के बाद, तो अब करी है तो उम्मीद है अभी करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जोर नहीं चलता। मैंने देख लिया बड़े बड़े मंत्रियों को, मेरा अनुभव रहा है पिछली सरकार में बहुत मुख्यमंत्री स्तर तक के जो मतलब बड़े मंत्री थे, हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं एसीएस, उन्होंने बहुत रिकमेंडेशंस करी हैं, उनकी बात को किसी को माना ही नहीं। और मैं अभी भी बता रहा हूं हमारे यहां भी डॉक्टरों का एक आंदोलन हो रहा था, डॉक्टरों का आंदोलन में चिकित्सा मंत्री जी गणसिंह खीमसर जी ने कहा इनकी मांग डिमांड जायज है और यह आंदोलन हमको स्थगित कराना आप करिए। तो मगर हमारी जो जानकारी मिली है हमारे चिकित्सा साथियों से, उन्होंने कहा एसीएस फाइनेंस का जो जवाब था, एसीएस फाइनेंस का जो एटीट्यूड था, उससे लगता नहीं है कि एसीएस फाइनेंस छोटे हैं और चिकित्सा मंत्री जी बड़े। तो यहां तो ब्यूरोक्रेसी का इस समय राजस्थान में राज, तो अब ये सब चीजें हैं इसमें है। बिल्कुल 100% ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा हावी रही, अगर ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं रही होती तो लोकतंत्र में, हाँ नहीं, ब्यूरोक्रेसी के काम, ब्यूरोक्रेसी ने पूरा काम अपने हाथ में ले रखा है। मैं कहता हूं उनका वजन कम कर रखा है उनका तो वजन कम कर रखा है। बाकी चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे हैं, आते ही उन्होंने सारे सेक्रेटरीज को बिल्कुल रेडी कर दिया और वो बिना मंत्रियों के अनुमोदन के कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंटों में जा रहे हैं, कर्मचारियों को भी तान रहे हैं, आम जनता के हित के लिए काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा ही हावी रही है और लोकतंत्र में इसीलिए हम राजनेता चुनते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा अफसरशाही हावी हो जाए तो उस पर अंकुश रखा जाए। मगर अब तक ऐसा कहीं कुछ देखने को मिला नहीं कि अंकुश की जैसी कोई बात आई है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। देखिए कर्मचारी महासंघ एकीकृत राज्य के विभिन्न विभागों के विभिन्न जो राज्य स्तरीय संगठन है उससे संबद्ध महासंघ है, हर 2 साल में इसका प्रांतीय अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और इस बार भी चूंकि 12 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो गया था प्रांतीय अध्यक्ष का, तो अब 12 जुलाई के बाद में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके लिए 15 सितंबर को सिटी कॉलोनी जो RRC ऑडिटोरियम है वहां पर प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 41 राज्य स्तरीय संगठनों ने संबद्धता ली है, उनके प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री और तृतीय सदस्य उसमें भाग लेकर के और
लोकतांत्रिक तरीके से मतदान तरीके से अपना निर्वाचित अध्यक्ष चुनेंगे। राजस्थान के कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेके उस दिन 15 तारीख को एक साधारण सभा की बैठक हो रही है, उसके अंदर सभी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और जो सामाजिक संयोजक वो सब लोग भी उसमें भाग लेने जा रहे हैं। निर्वाचन पूर्व राजस्थान में कर्मचारियों की वेतन विसंगति का मुद्दा, राजस्थान में कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर सरकार ने अब तक कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया, उसको लेकर के राजस्थान में कर्मचारियों की पांच तीन छह साल हो गए पदोन्नतियां नहीं हो रही, नाम के लिए कहते हैं दो हर साल में दो बार प्रमोशन हो रहे हैं, और इसके अलावा कोई यहाँ पर राजस्थान में कर्मचारियों की जो राजनीतिक हस्तक्षेप रहित एक स्थानांतरण पॉलिसी होनी चाहिए थी, हमारे लाखों हमारे कर्मचारी हैं, टीचर हैं, उनके ट्रांसफर आज तक नहीं हो पाए, तो ऐसी कोई पॉलिसी बनती उसको लेकर के MSEP राजस्थान की सरकार ने लागू की है। MSEP में 9/18/27 वर्ग पर पहले जो चयनित वेतनमान मिलता था, अब बहुत सारे कैडर को वेतनमान नहीं मिल पा रहा 9/18/27 वर्ग पर, क्योंकि उनको पदोन्नति पद नहीं है उनके आगे, और MSEP में कहा गया है कि जो उच्च पदोन्नति पद होंगे उन्हीं को पदोन्नति मिलेगी, 27 वर्ष का वेतनमान मिलेगा, 18 वर्ष का वेतनमान मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। संविदा कर्मियों के जो हमारे कर्मचारी हैं, निविदा कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनके नियमितीकरण की बात है, उनके वेतन वृद्धि की बात है, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत प्राथमिक है, महत्वपूर्ण है, पिछली सरकार से चली आ रही है, वर्तमान सरकार के समक्ष भी हमने रखा है, अभी तक कोई राहत मिली नहीं, क्योंकि रणनीति साधारण सभा में बनाई जाएगी और इन मांगों को पूरा कराने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हमारी जो भी नवनिर्वाचित कार्यक्षमती होगी 15 तारीख के बाद, वो सभी निर्वाचित कार्यक्षमती सभी संगठनों के साथ मिलकर हम राज्य सरकार के साथ कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। किस तरह का निर्णय लेंगे आप? देखिए, कर्मचारियों के पास में लोकतांत्रिक तरीके से कर्मचारियों के जो संगठन है उनके पास में संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के जो तरीके हैं वो सभी तरीके अपनाए जाएंगे, चाहे उसमें धरना प्रदर्शन हो, चाहे उसमें आंदोलन हो, हड़ताल हो, वो सभी चीजें, रैली प्रदर्शन सब होता है, और ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती रही है, और यही परंपरागत रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से आगे जाके कर्मचारी अपनी मांगों को उठाते हैं और कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराते हैं।